संतान की मंगल कामना व दीर्घायु को लेकर गुरुवार को महिलाओं ने जीवित पुत्री का व्रत रखा। इस अवसर पर व्रती महिलाओं ने भोर में चूल्हो सियारिन और पितर पितराइन को अपने कुल की परंपरा के अनुसार नैवेद्य अर्पित किया। इसके बाद मीठा भोजन के तौर पर दही चिवड़ा आदि ग्रहण कर सरगही की विधि पूर्ण की। इसी के साथ 24 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। आपको बता दें, इसमें मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। वहीं जीवित वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप अक्षत पुष्प आदि अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। व्रती महिलाओं ने जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने के बाद जीवित वाहन भगवान की प्रतिमा की बनी माला को गले में धारण किया और संतान की सलामती की दुआ मांगी। कई महिलाओं ने तो संतान की संख्या के आधार पर जीवित वाहन भगवान की प्रतिमा को धागे में पिरोकर धारण किया। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग की सलामती की कामना भी की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने कहा, कछुआ के लिए में रही जाला अने डड़बे रही जाला इतना हमरे आंख खुलेला हम रूप करम जगा दे तो कहला ठीक बा, तो कहला कैसी उपार जेगे, तो कहला ठीक बा इतने दिन के लिखल ला लवे अब जाई आपके करम जाके, तो कहला धनवा कहाँ मिली, तो कहला जाई आपके बगलवा तब सुनाई घर पता चलेगा रीता मिश्रा। ये सब बेटा का व्रत है, इससे लंबी और दुगार के लिए माना जाता है। रामचंद्र जी भी सीता मैया भी इस चीज व्रत को थी, इसीलिए हम लोग ये व्रत रहा जाता बेटे के लिए। किस तरह से मनाते हैं आप लोग? दिन भर निराजल व्रत रहा जाता है, इस समय पूजा किया जाता है, रात भर निराजल रहा जाता है, सुबह भर पानी पिया जाता है। किस चीज़ की पूजा करते हैं आप लोग? ये बरियार अरियार बरियार का पूजा किया जाता है। सनी लता, ये हम व्रत बेटे का व्रत है लंबी उम्र के लिए, और रामचंद्र जी इसीलिए यही पूजा की, रामचंद्र की वाइफ भी इसलिए हम लोग भी करते हैं लंबी उम्र के लिए, हम लोग का बच्चे का लंबी उम्र हो। दिन भर भी व्रत रहते हैं, रात भर भी व्रत रहते हैं, सुबह को पारण करते हैं, अरियार बरियार का पूजा किया जाता है। मेरा नाम नीलम पांडे है। बाबू हम लोग रहते हैं 24 घंटा मतलब निराजल रहते हैं, और ये बेटे का व्रत है, इसकी लंबी आयु के लिए रहा जाता है, अरियार बरियार का पूजा किया जाता है। ये रामचंद्र भी थे, सीता मैया भी थी व्रत को, इसलिए हम लोग भी करते हैं बेटे के लिए।
मेरा नाम सरोज चौहान है, गोरखपुर लालापुर। बेटे की दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए व्रत किया जाता है। औरतें निरा जल व्रत 24 घंटा रहती हैं और बेटे की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए यही मनोकामना करती हैं। उनकी माताएं व्रत रहती हैं, सीता जी ने भी इस व्रत को किया था।